हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका लिस्ट कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप श्री रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लिया है, साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से कि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना फ्री हॉस्पिटल लिस्ट। अपने को थोड़ा दोस्त नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्तों, अपने को एक ऑप्शन आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान भारत हॉस्पिटल की लिस्ट के लिए अपने को इस लिंक पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान भारत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर जो थ्री लाइन आता है, इस थ्री लाइन पर अपने को क्लिक करना होता है। थ्री लाइन पर दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है, लिस्ट ऑफ इंपेनेंट हॉस्पिटल्स, इस पर अपने को क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड पेज ओपन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल सर्च का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अब अपने को यहाँ पर जिस भी राज्य का आप चेक करना चाहते हैं वो दोस्तों, आप उस स्टेट का राज्य का चेक कर सकते हैं। अब अपने को यहाँ पर स्टेट पे अपने को क्लिक करना होता है, यहाँ पर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सारे राज्य यहाँ पर आ जाते हैं। जिस भी राज्य का आप चेक करना चाहें उस राज्य का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए मैं किसी एक राज्य का मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं गुजरात का करना चाहूँ तो गुजरात में मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर गुजरात के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिला जो भी है यहाँ पर मैं जिले के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए मैं यहाँ पर यार कोई एक जिला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप हॉस्पिटल का टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो दोस्तों आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ और यहाँ पर बाकी के मैं खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कैप्चा नंबर है, इस कैप्चा नंबर को अपने को इस कैप्चा को अंडर कैप्चा में अपने को एंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सेम अपने को यहाँ पर टाइप कर देना है। अब फिर से दोस्तों, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने भी फ्री हॉस्पिटल हैं यहाँ पर सबके यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनका नाम भी आया हुआ है, यहाँ पर पब्लिक है या प्राइवेट है, यहाँ पर इनका टाइप भी आ चुका है, और इनका मेल आईडी आया हुआ है, इनका एड्रेस आया हुआ है, इनका मोबाइल नंबर भी आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई पेजों में आए ये सब हॉस्पिटल, और इनका जो स्पेशलिटी है यहाँ पर वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्त, आप इस तरह से आयुष्मान भारत योजना है कि फ्री हॉस्पिटल को आप चेक कर सकते हैं आप अपने एरिया में। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप श्री रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।